हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वॉक अ माइल विद रोहिणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ इंडियन समर फैशन लुक बुक और इस बार होंगे एथनिक वेयर। इस वीडियो में 6 समर लुक्स शेयर होंगे जिनमें 3 साड़ी लुक्स और 3 कुर्ता लुक्स होने वाले हैं। ये सारे लुक्स मैंने क्रिएट करे हैं यूजिंग अफोर्डेबल अमेजोन प्रोडक्ट्स। पसंद आएंगे ये वाले प्रोडक्ट्स तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए परचेजेस लिंक्स पे क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। So let's start with the summer lookbook of ethnic wear, but before that let's start with the makeup. समर्स में लाइट बेस होना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बाद में मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मेरे स्किन के ऊपर। इसके बाद में मैंने सेरी का फाउंडेशन स्टिक से अपने स्किन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ही लाइट वेट है ये स्किन के ऊपर। मेबिलिन फिट मी कंसीलर को भी मैंने अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद में स्विस ब्यूटी का मैंने अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट लिया है। इसमें ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर, आई शेडोज, एवरीथिंग इज़ देयर। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आई शेडो लगा लूँगी और उसके बाद में मैंने काजल लेके इसको स्मच कर लिया है अपने आईज़ के ऊपर। तो बहुत ही हल्का सा लाइट मेकअप होने वाला है, इसलिए हाइलाइटर भी बहुत ही मिनिमल लगाया हुआ है जो कि स्विस ब्यूटी का है। यहाँ पे NYBA की मैंने लिपस्टिक लगाई है, न्यूड लिपस्टिक है, इट्स लुकिंग प्रिटी। हल्का सा मैंने अपने फेस के ऊपर ब्लश लगाया है और कॉन्टोरिंग करी है सेम पैलेट से जो कि है स्विस ब्यूटी से। सो दैट्स इट, परफेक्ट फॉर द डे लुक। मेकअप इज़ ऑलरेडी डन। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग टाइप के इयररिंग्स डाले हैं क्योंकि आई एम जस्ट डिसाइडिंग कि कौन सा पहनूँ, ये वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ, फाइनली कौन सा पहनती हूँ, चलिए देखते हैं। और हाँ, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द 3 साड़ी लुक्स एंड देन फॉलोड बाय कुर्ती लुक्स। जाड़े के दिन बीत गए हैं, फूलों की भी क्यारियाँ सूखने लगी हैं, आ गए हैं गर्मी के दिन आ गए हैं। फ्लोरल प्रिंट के साड़ियाँ समर्स में काफ़ी अच्छी दिखती हैं, बहुत ही सूदिंग इनका फैशन है और कभी भी ये आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती हैं। समर्स में लाइट वेट साड़ी चूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि जब भी आप अपना पल्लू लहराएं तो आसानी से वो लहराया भी जा सके। जी नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है, इनफैक्ट हैवी वेट साड़ियाँ रहेंगी तो आपको गर्मी की फीलिंग ज़्यादा आएगी और अगर लाइट वेट साड़ी रहेगी तो ईजी टू कैरी रहेगी और हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। इस साड़ी को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था जिसके साथ में ब्लाउज पीस भी अवेलेबल था, लेकिन इसके साथ में मैंने पेयर करा हुआ है ब्लैक कट स्लीव्स वाला ब्लाउज़। बहुत ही प्रिटी ब्लाउज़ है ये भी, मैंने अमेज़ॉन से लिया है, रेडीमेड ब्लाउज़ है और परफेक्ट इसकी फिटिंग आती है और बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश भी ये ब्लाउज़ दिखता है। इस साड़ी को मैंने ग्लैम अप किया है पर्ल ऑर्नामेंट से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्ल की वजह से जो ये साड़ी है उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। इनफैक्ट जो साड़ी की कॉस्ट है बहुत ही मिनिमल सी कॉस्ट है और जब आप इसको ऑर्नामेंट से और सजा देते हैं तो ओवरऑल लुक काफ़ी सुंदर आ जाता है। साड़ी के बॉर्डर में बहुत ही प्यारा सा ऐसा लेस इनबिल्ट दिया हुआ है जिसकी वजह से ना हल्की सी शाइन आ जाती है आपकी पूरी साड़ी के अंदर। साड़ी का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है, ईजी टू वेयर है, सॉफ्ट इन टच है और एक अलग सा शाइन भी है इस साड़ी के अंदर। इस साड़ी को आप यूज़ कर सकते हैं या पहन सकते हैं ड्यूरिंग कैजुअल पार्टीज, शॉपिंग टाइम में या डे टाइम पार्टीज, या फिर अगर आप डेली वेयर भी करना चाहें उस टाइम में भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। सूरज की तपती धूप में कुछ ऐसा पहने जो आप पे दिखे बहुत ही खूब। इस समर सीज़न आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए इस तरीके की कॉटन मलमल साड़ी के ऊपर, क्योंकि ये जो साड़ी का जो कपड़ा रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, इजी टू वेयर रहता है और बहुत ही कड़क जो फील आता है नॉर्मली किसी कॉटन कपड़े में वो इस साड़ी में बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकत हैंड ब्लॉक प्रिंट वाली साड़ी है, ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। साड़ी वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन में बनी है, बहुत ही सुंदर इसका पल्लू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंट करा है, एक मुद्रा का डिज़ाइन बनाया हुआ है। इस साड़ी के साथ में ही इस तरीके का ब्लाउज पीस भी आता है जिसको आप स्टाइलिशली डिज़ाइन करा सकते हैं। एट प्रेजेंट मैंने पहना है इसको स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज के साथ में, जो कि अगेन इट इज़ ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। साड़ी और ब्लाउज़ दोनों ही मैंने अमेज़ॉन से लिए हुए हैं, दोनों की परचेज़ लिंक मैं मेंशन आउट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस साड़ी को एक्सेसराइज किया है मैंने सिल्वर ऑर्नामेंट्स के साथ में, चोकर डाला हुआ है, बीडेड नेकलेस है, बहुत ही प्रिटी ब्रेसलेट है और प्लस सिल्वर रिंग भी डाली हुई है और एक मैंने हैंडबैग लिया हुआ है विच इज़ गोइंग सो वेल विद ओवरऑल लुक। इस तरीके से आप लुक क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर ऑफिस। इस साड़ी को मैंने शेयर करा था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर और बहुत लोगों को ये साड़ी पसंद आई और ओवरऑल लुक भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि बहुत ही कूल और एकदम ईजी ब्रीजी सा लुक भी है और साड़ी भी बहुत ही परफेक्ट है ड्यूरिंग हॉट समर टाइम।
गर्मी का मौसम है आया, सबको हल्का रंग है भाया। क्या बोलूँ मैं इस साड़ी के लिए, सो ब्यूटीफुल फॉर योर समर या फिर स्प्रिंग टाइम के लिए भी। बहुत ही अपीलिंग कलर है इसका, सी ग्रीन कलर है। और ये है एक लिनन कॉन की साड़ी जिसके ऊपर लखनवी चिकनकारी वर्क किया हुआ है, वोवन साड़ी है। और ये साड़ी मैंने अमेजोन से ली थी। कम बजट में इस तरीके की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी दिखती हैं। अगर आपको रेंज हाई करना है तो आप एम्ब्रॉयडर चिकनकारी साड़ी ले सकते हैं, बट इन दिस बजट आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्यूटली स्टनिंग साड़ी। साड़ी के साथ में ब्लाउज भी आता है, रनिंग में ब्लाउज है, लेकिन मैंने इसको पेयर करा है एक वाइट क्रॉप टॉप के साथ में, थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए। और देख सकते हैं स्टाइल तो आ ही गई है ना। साड़ी में अगर कॉटन साड़ी हो तो ड्रेपिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लिनन कॉटन साड़ी में तो वो बहुत ही ईजी टू ड्रेप है। जो फॉल आता है प्लीट्स का वो भी काफ़ी अच्छा आता है। चिकनकारी साड़ी के ऊपर इस तरीके के आप हैवी इयररिंग्स डालते हैं तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और क्योंकि हैवी इयररिंग्स डालें इसलिए मैंने नेकलेस कोई भी नहीं डाला है। बालों में पूरा बन बनाया है और एक एलिमेंट दिया है कलर का, जो कि है मेरे बन के ऊपर लगा हुआ ये ब्यूटीफुल सा रोज। हाथों में मैंने पर्ल कड़े डाले हैं, आंखों पे ग्लेयर्स डाले हैं। और दिस ब्यूटीफुल क्लच के साथ मैं निकल जा रही हूँ बाहर की स्कॉर्चिंग हीट के अंदर विद दिस ब्यूटीफुल ओवरऑल लुक। एक नदी भी ख्वाब की बहने लगी है, धूप भी मानो चांदनी लगने लगी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पहन ली है जयपुरी चिकन अनारकली कुर्ती, जो कि समर्स के लिए एकदम ही अप्रोप्रिएट है। अगर आप अपने वार्डरोब के लिए चिकन कुर्ती और वो भी अगर अनारकली हो इस तरीके की कुर्तियाँ पसंद करते हैं तो ज़रूर इन तरीके की कुर्तियों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न। इस कुर्ती को मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था बहुत ही रीज़नेबल रेट में। इसके साथ में मलमल का दुपट्टा मिल जाता है और इसके अंदर ही इनर में लाइनिंग भी दी हुई है कॉटन की, लेकिन स्टिल आई फील कि आपको एक एडिशनल लाइनिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। ओवरऑल कुर्ती में थ्रेडवर्क दिया हुआ है, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी करी हुई है जैसे चिकन कुर्तियों पे करी रहती है आप देख सकती हैं। और हल्के हल्के सितारे दिए हुए हैं तो हल्के से एकदम चमक देती है ये वाली कुर्ती, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है ड्यूरिंग समर टाइम। 3/4 स्लीव्स हैं इस कुर्ती में और बहुत ही कम्फर्टेबल स्लीव्स हैं, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी आई हुई है और जो सितारे लगे हुए हैं बिल्कुल भी आपके स्किन के ऊपर चुभते नहीं हैं, तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। कुर्ती का घेर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। अनारकली कलियाँ जो बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत ही नैरो नहीं है, ब्रॉड में ही बनाई हुई हैं। इस कुर्ती के साथ में मैंने पेयर करा हुआ है मिरर वर्क किया हुआ चोकर सेट, जिसके साथ में नेकलेस, इयररिंग्स और ब्रेसलेट सारे ही अवेलेबल थे ऑन अमेज़ॉन। बहुत ही प्रिटी सेट दिखता है, साथ में इस अनारकली सेट के ऊपर जो सितारे लगे हुए हैं उसके साथ में अच्छा परफेक्ट ब्लेंड हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ किसी डे टाइम पार्टी के हिसाब से मैं इस लुक को क्रिएट करूँ, इसीलिए डे टाइम है तो थोड़ा सा तो सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने ग्लेयर्स लगा लिए हैं। सो देखिए कितना परफेक्ट समर लुक आ चुका है इस तरीके की चिकन अनारकली कुर्ती के साथ में। सो डू ट्राई दिस लुक। घूमने का मज़ा लें या बंद होकर रहें कमरों में, आजकल यही सवाल चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी कुर्ती पहनी हुई है उसको देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं घूम के आ जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, कॉटन का कपड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसके ऊपर इकत प्रिंट किया हुआ है। इंडिगो कलर के इस कुर्ते के ऊपर जो इकत प्रिंट किया हुआ है काफ़ी अच्छा आया हुआ है। फ्रंट में इस तरीके से बटन्स दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी स्टिच्ड बटन्स हैं, इनको ओपन नहीं कर सकते हैं आप। 3/4 स्लीव्स हैं और स्टिचिंग और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है इस कुर्ते की। इस कुर्ते के फ्रंट एरिया में एक स्लिट दिया हुआ है जो कि एक अलग डेफिनेशन दे देता है अपनी इस कुर्ती को। इस कुर्ती के साथ में मैंने अपनी एक नेकलेस ही पेयर करी है एज अ ब्रेसलेट, और इयररिंग्स में अगेन मैंने सेम फ्लोरल पर्ल इयररिंग्स डाले हुए हैं। इस कुर्ते को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया हुआ है और सिंगल कुर्ता था, इसके साथ में मैंने एक वाइट लेगिंग्स पेयर करी है। तो इस तरह की कुर्ती कॉलेज टाइम के लिए अच्छी है, कैजुअल वेयर के लिए अच्छी है, या फिर अगर आप डेली यूज़ करना चाह रहे हैं तो उस टाइम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो समर वार्डरोब अगर आप अभी बना रहे हैं तो इस तरह की कुर्ती आप ख़रीद सकते हैं। गर्मी में तो ये हाल है जनाब कि कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। गर्मियों में पतला कपड़ा प्रेफर किया जाता है और हाँ, अगर वो कॉटन हो तो और भी अच्छा लगता है। और साथ में अगर आप इस तरीके के ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं तो आप जो मैंने यहाँ पे कुर्ता पहना हुआ है उसके साथ में जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर कॉम्बिनेशन है। मैंने जब इसे ऑनलाइन देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे चाहिए ही।
कुर्ती की खासियत इसका योक एरिया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के थ्रेड से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी लगती है, और योक एरिया में इस तरीके की बॉर्डर लाइनिंग दी है, काफ़ी अच्छा है। प्रिंटेड कुर्ता है, ऑल ओवर प्रिंट बने हुए हैं इस तरीके के फ्लावर और पत्तियों के साथ में। हैंड के भी बॉर्डर एरिया में रेड और गोल्डन गोटापट्टी वर्क किया हुआ है। इस कुर्ते के सेट के साथ में प्रिंटेड पैंट्स भी आते हैं और प्लेन रेड कलर की चुन्नी जिसके ऊपर येलो बॉर्डर दी हुई है, काफ़ी अच्छी दिखती है। एक्चुअली बहुत सारा प्रिंट ऑलरेडी आपके पैंट और कुर्ते के ऊपर है, इसलिए प्लेन चुन्नी अच्छी लगती है। समर्स में इवनिंग या डे टाइम पार्टीज़ के लिए इस तरीके का कॉटन प्रिंटेड कुर्ता काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें कलर भी हैं और प्लस इसके साथ में आप मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सटल लुक में गोल्डन पर्ल नेकलेस सेट चूज़ किया है और एक गोल्डन क्लच लिया है। समर शॉपिंग के लिए एक टिप है कि अगर आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो उसका जो बेस कलर है वो लाइट रखिए, उसके ऊपर भले ही वर्क थोड़ा डार्क शेड का भी हो तो भी चलेगा। तो इसी हिसाब से आप शॉपिंग करिए और अपने समर्स को और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। तो अब आप बताइए कि कौन सा वाला आप लोगों को एथनिक वेयर लुक पसंद आया है समर फैशन के हिसाब से, और अगर ये वीडियो भी पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।